बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदान फाल। तो कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले तो आपने अपनी खैरियत मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बतानी है। और आज मैंने कुछ ऑनलाइन शॉपिंग की थी, तो बहुत देर से थी, लेकिन सलाब की वजह से मेरा जो ऑर्डर है ना वो काफ़ी लेट आए हैं। तो वो सब आज मैंने आपके साथ शेयर करने हैं कि मैंने क्या कुछ मंगवाया है। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, मेरी वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आपको पसंद आई ना आई फिर भी कर दीजिएगा, कोई इशू नहीं है इसमें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। मैंने 3-4 ऑर्डर मंगवाए थे, उसमें सबसे पहला ऑर्डर चले खोलते हैं, देखते हैं इसके अंदर क्या है। मंगवाया तो मैंने एक V7 स्प्रे था जो कि बहुत ज़बरदस्त है, वाइटनिंग है। तो उम्मीद है कि वही होगा जो मैंने ऑर्डर किया था। कई बार ऐसा होता है ना, जो हम ऑर्डर करते हैं वो चीज़ें नहीं आती, लेकिन वेरी गुड, ज़बरदस्त हो गया। ये वही है जो मुझे चाहिए था। तो चलिए अब नेक्स्ट जो है वो ओपन करते हैं। आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने सीज़र का इस्तेमाल क्यों नहीं किया, तो बस ऐसे ही नहीं किया, मेरी मर्ज़ी। तो चलें ऐसे ही ओपन कर लेते हैं। तो ये मैंने बड़ी ज़बरदस्त चीज़ मंगवाई थी बच्चों के लिए। ये पैक बड़ा ज़बरदस्त था, इसके अंदर रेज़र हैं, मतलब कि आइसक्रीम रेज़र हैं, और बहुत ही ज़बरदस्त है। हर तरह की जो आइसक्रीम की शेप होती है ना वो बनी हुई है। आपको पता है बच्चों के चीज़ें कितनी ज़्यादा पसंद होती हैं। तो मैंने अपने भांजों के लिए मंगवाई थी, तो मैंने सोचा कि चलें ये भी आपके साथ शेयर करूँ। और पार्सल मेरे सारे बड़े मज़े के, इसके अंदर सारी वो इंस्ट्रक्शन वगैरह थी और रसीद वगैरह दी थी। ये जो आप टर्टल रेज़र देख रहे हैं ना, ये साथ में मुझे गिफ्ट में आया, क्योंकि ये मैंने ऑर्डर नहीं किया था। और साथ में ये देखिए, उन्होंने मुझे लिख के भी थैंक यू भी भेजा है, मेरा नाम भी लिखा हुआ है। उनको बड़ा अच्छा लगा, हमने उनसे शॉपिंग की है, मुझे भी अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी अच्छी चीज़ें जैसी सोची थी ना उससे कहीं ज़्यादा अच्छी आई हैं। तो वो जो छोटा सा टर्टल है मुझे सबसे ज़्यादा पसंद आया है। रेज़र 4 मैंने ऑर्डर की थी और वो वाला सबसे मज़े का लगा है मुझे। और हम पाकिस्तानी है भी ऐसे हैं, जो एक के साथ एक फ्री वाला सीन होता है ना, बड़ा हमें अच्छा लगता है। बाकी जितने मर्जी हमारे पैसे लग जाए, हम कहते हैं जो फ्री में मिला है वो बड़े मज़े का है। तो अब मैं ओपन करके दिखाती हूँ कि कैसी हैं। अच्छा, मैंने सोचा था ये छोटी छोटी रेज़र होंगी, लेकिन ये छोटी नहीं है, ये तो बहुत बड़ी है। छोटा पैकेट और बड़ा धमाका हो गया ये। तो ये देखें कितनी ज़बरदस्त हैं, और यूज़ में भी मुझे अच्छी लग रही हैं कि ये। और ये देखना, मैं आपकी चीज़ दिखाती हूँ, खाली मतलब कि रेज़ वो आपकी आइसक्रीम भी रेज़ करी, जो स्टिक है वो भी रेज़र के तौर पे आप इसको यूज़ कर सकते हैं, देखें। और माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बहुत 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 मज़े का मुझे ये गिफ्ट लगा है। और साथ में जो मैंने ऑर्डर मंगवाया है ये भी मेरा बहुत ही ज़बरदस्त रहा है। आप खोलते हैं जी नेक्स्ट पार्सल। और अभी तक तो सारे पार्सल जो हैं वो अच्छे जा रहे हैं, जो जो मंगवाया सब कुछ मेरा। और ये मैंने मिस्टर रोज़ की ना 6 बेस मंगवाई थी, पूरा एक पैकेज था और डिस्काउंट पे था। और मुझे पहले यही था कि शायद वो सिर्फ एक ही शेड में सारे भेज दें, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। सारे जो बेस आई हैं वो सारी की सारी डिफरेंट शेड्स की हैं, मतलब कि सारी आपको जो है मिल जाएंगी। और अभी तक जितने भी पार्सल अंदराज से मंगवा चुके हैं या कहीं से मंगवाते हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे आते हैं। देखें हर एक के ऊपर वो शेड का नाम भी लिखा हुआ है, F1 है, 1W, सारे जो भी इनके नाम होते हैं वो सारे, मतलब कि आइवरी है, ज़्यादा वाइट जो यूज़ करते हैं वो भी, हर टोन की, हर स्किन टोन की आपको बेस जो है ना वो मिल जाएगी। और देखिए 6 की 6 पूरी निकल रही है, बस निकालने में थोड़ी मुश्किल हो रही है, उन्होंने पैकिंग इतनी ज़्यादा की हुई है। ये देखें 3 मैंने पर रखी हुई हैं, ये चौथी और पांचवी छठी 6 हो गई हैं पूरी। देखिए जो मैं आपको बता रही थी ना, वो सारे के सारे नाम आपको यहाँ पे नज़र आ रहे हैं, और हर शेड है। तो आप इसका फ़ायदा ये होगा, जो जो घर में जो जो शेड यूज़ करते हैं उसको वो देंगे, उसकी मौजें हो जाएंगी। है छोटी छोटी है, लेकिन बेसिस में काफ़ी ज़्यादा है। तो चलिए अब खोलते हैं लास्ट पार्सल, इसके अंदर क्या है। असल में मैंने मंगवाए हुए थे काफ़ी देर से, तो मेरा तो जहन से भी निकल गया था कि बाकी 2 में क्या है। तो अभी ओपन करते हैं तो देखते हैं कि इसके अंदर हमें क्या कुछ देखने को मिलता है। ये जी ये ज़बरदस्त हो गया। अच्छा, ये मैंने सर्दियों के लिए ख़ास तौर पे मिनी बॉक्स मंगवाया था जो कि कपड़े का बना हुआ है। इसका बड़ा फ़ायदा है, जितने 1, 2, 3, 4, 5 बॉक्स बने हैं, एक के अंदर आप सारी सॉक्स रख लें, स्टॉलर्स रख लें, और इस तरह की चीज़ें जो अपने यूज़ में डेली बेस पे आप यूज़ करते हैं उसको वो रख लें। हैंग भी इसको कर सकते हैं, इसे आप कबर्ड में रखना चाहें, अलमारी में रखना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं, इशू कोई नहीं है इसमें। जिस तरह से आप इसको यूज़ करना चाहें वो इजीली करें इसमें। मैं तो इसमें सारी अपनी यूज़ की जो चीज़ें हैं वो सारी रखूँगी, स्टॉलर्स वगैरह, सॉक्स वगैरह। और ये आज के मेरे पार्सल थे, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसे लगे। और अल्लाह हाफिज़।